जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल जीके बितार्के में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं जामताड़ा ज़िला में जो है चौकीदार की वैकेंसी निकाली गई है और इसका अंतिम तिथि रखा गया है 30 जुलाई 2024। और आपको यहाँ पर बताते चले कि ये चौकीदार की जो भर्ती है ये अच्छे पोस्ट के लिए निकाला गया है और जामताड़ा ज़िला में लगभग सभी प्रखंड के लिए निकाला गया है। तो अगर यदि आप भी चौकीदार भर्ती में जाना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा तो ये बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इसका अंतिम तिथि जैसे कि आपको पता चल ही गया, फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, एजुकेशनल सर्टिफिकेट क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स हमें देना है, कैसे भेजना है, किस एड्रेस पर भेजना है, ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है, सारा कुछ यहाँ पर आपका इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है जामताड़ा जिला सामान्य शाखा विज्ञापन संख्या पहला ये 2024 का। जामताड़ा जिला अंतर्गत चौकीदार के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो ये है झारखंड सरकार के संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के पत्रांक संख्या 3910 दिनांक 27/6/24 के द्वारा चौकीदारों के रिक्त पदों पर समय सीमा के अंदर नियुक्त प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश प्राप्त है। आपको बता दें कि अभी झारखंड में चुनाव होने वाला है और जो चुनाव का पर्व है ये बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ होता है। तो अभी झारखंड सरकार क्या करेगी, वैकेंसी भी निकालेगी और समय सीमा के ऊपर इसकी नियुक्ति भी करेगी, आने की क्लियर भी करेगी। तो बिल्कुल आप इस फार्म को जरूर भर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि देखिए टोटल आपको सीटों की संख्या हम सबसे पहले बता देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। टोटल सीटों की संख्या देखिए यहाँ पे कुल कितना है, 343 सीट है और सिर्फ ये कहाँ पे है, जामताड़ा ज़िला में लगभग सभी प्रखंडों के जो है क्षेत्र में इसका जो वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको हम ये भी बता देते हैं कि इसमें जो है रिक्तियों की जो है बंटवारा किया गया है। तो रिक्त पद अगर यदि हम बात करें जनरल कैटेगरी के लिए यानी कि अनारक्षित के लिए तो 139 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 170 सीट है, अनुसूचित जाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग इन लोगों के लिए क्या है, सीटों की संख्या 0, ठीक है। और इनके लिए जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड हैं उनके लिए 34 सीट है और टोटल ये हो गया 343 सीट, ठीक है। यहाँ पे ये एक चीज़ लिखा गया है कि अगर यदि कुछ वैसा ज़रूरत पड़े तो ये आवेदन को संशोधित या फिर रद्द भी किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे यदि हम बात करें आरक्षण का तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय मुफसिल स्थापना के लिए लागू आदर्श आरक्षण इसमें जो है माना जाएगा, जो वहाँ पर क्षेत्रीय आपका जो चलता होगा आरक्षण वही इसमें लागू किया जाएगा, उसी के हिसाब से आपको आरक्षण मिलेगा। दूसरा बात यहाँ पे देखिए आरक्षण किसको किसको मिलेगा, तो अगर यदि कोई खेलकूद कोटा से खिलाड़ी आते हैं तो उनके लिए जो है 2% यहाँ पे सीट क्या होगा आरक्षित होगा, यानी कि 343 में से 2% खेलकूद कोटा से जो है आरक्षित है। उसके बाद निःशक्त जन जो है उनके लिए 4% क्षेत्रीय आरक्षण अनुमान्य होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो है इसमें भी बिल्कुल कंफर्मेशन नहीं दिया गया है क्योंकि यहाँ पे लिखता है कि चौकीदार जो है ग्रामीण पुलिस माने जाते हैं, ये आपको भी पता है चौकीदार क्या होते हैं, ग्रामीण पुलिस माने जाते हैं, और इस कारण भर्ती में निःशक्त को आरक्षण अनुमान्य होगा अथवा नहीं तत्संबंधित सरकार के मार्गदर्शन की मांग की जा रही है, जिसके अनुरूप इसके अनुमान्यता पर निर्णय प्रभावित होगा। अभी तो यहाँ पे वैकेंसी में दिया है कि 4% हम आपको आरक्षण देंगे, लेकिन ये जिला पुलिस कहलाता है, इसलिए इन लोगों ने रिक्वेस्ट डाला है झारखंड सरकार के पास कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यदि सरकार का कुछ आता है रोल तो ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में 2% पद जो है आदिम जनजाति के लिए यहाँ पे क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 नंबर में लिखा हुआ है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या इतना में आलोक में महिलाओं के लिए 5% पद क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा, जो महिला हैं उनके लिए भी 5% सीट क्या होगा आरक्षित रखा गया है, ठीक है। अच्छा इसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता आपके होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यता झारखंड राज्य से मान्यता प्राप्त संस्थान या शिक्षण संस्थान से कम जो है आपको 10वीं पास होना जरूरी है, ठीक है। और उसके साथ साथ में अभ्यर्थी को स्थानीय रीति रिवाज भाषा परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।
और 1/7/24 तक 10वीं परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन किया जा सकता है। जो 1/7/2024 तक 10वीं परीक्षा पास कर लिए हैं वो भी इस फार्म को भर सकते हैं। यहाँ पे उम्र सीमा न्यूनतम रखा गया 18 वर्ष और अधिकतम की यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए रखा गया 35 वर्ष, ठीक है, EWS के लिए रखा गया है 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाले यदि भरते हैं तो 37 वर्ष, और यहाँ पे महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग 38 वर्ष, ये मैक्सिमम आयु है, ठीक है। उसके बाद ST SC में जो OBC और महिला है इनके लिए अधिकतम 40 वर्ष रखा गया है। तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया। और अगर यदि पूर्व में कोई सैनिक हैं तो उनके लिए 10 वर्ष की छूट उम्र में दिया जाएगा, ठीक है। आयु की गणना जो होगी 1/7/2024 के हिसाब से होगी। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि अभ्यर्थियों को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा जिस बीट के रिक्त के विरुद्ध वे आवेदन कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर हम थोड़ा सा समझा देते हैं कि बीट क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको बता दें कि जामताड़ा ज़िला में जो है ना हर प्रखंड में और मैक्सिमम पंचायत वगैरह में जो है मैक्सिमम पंचायतों में या फिर गांवों में वैकेंसी निकाली गई है। तो बीट मतलब वही हो गया कि मान के चलिए आप जैसे जामताड़ा के किसी भी एरिया के निवासी हैं और वहां पे अगर यदि वैकेंसी निकाला गया है तो आपको प्रयास करना है कि उसी क्षेत्र से वैकेंसी आपको डालना है, ठीक है। तो उस क्षेत्र का उस बीट का निवासी आपको होना जरूरी है। हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे और दिखाएंगे भी कि बीट क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, आपको दिखा देते हैं। ये तो फार्म भरना है कैसे कैसे वो दिया हुआ है। देखिए ये हो गया बीट। जैसे मान के चलिए आप जो हैं जामताड़ा के हैं, ठीक है, अंचल का नाम क्या है, जामताड़ा है। तो बीट संख्या 2/1, ठीक है, बीट से संबंध ग्रामों का नाम जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया हुआ है रघुनाथपुर एवं सहरपुरा। कार्यरत चौकीदार का नाम यहाँ पर कोई नहीं है, रिक्त है, और अभियुक्त यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। तो ये जो है ना बीट संख्या या फिर उस क्षेत्र के निवासी होना चाहिए जहाँ से आप भरना चाह रहे हैं, क्लियर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्षेत्रीय निवासी होना जरूरी है, ये समझ गए। 7 नंबर में लिखता है कि अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है, ठीक है, वो उनको साइकिल चलाना आना चाहिए, हर और आजकल ये हर किसी को आता ही है। 8 नंबर में लिखता है कि चौकीदार के पद पर नियुक्त जिला स्तर पर होगी, इसकी नियुक्ति जो है जिला स्तर पर होगी, उसका पद स्थापन यथासंभव उसके आवासीय बीट क्षेत्र के अंतर्गत, आप जिस क्षेत्र के हैं वहीं पर आपका पोस्टिंग होगी। अगर यदि ट्रांसफर अगर यदि होता भी है तो वहीं पे होता है, जनरली सामान्यतः उसका ट्रांसफर होता ही नहीं है, ठीक है। नियुक्ति प्रक्रिया क्या रहेगी, तो देखिए नियुक्ति प्रक्रिया 9 नंबर में यहाँ पे लिख रहा है कि चौकीदार के रिक्त पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र उपायुक्त जामताड़ा के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। नियुक्ति संबंधी प्रकाशित विज्ञापन संबंधित अंचल प्रखंड कार्यालय थाना में भी देखा जा सकता है। ये जो हम आपको बता रहे हैं ये सारा क्या इस जगह पर अवेलेबल मिल जाएगा आपको। साथ ही व्यापक प्रचार में कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों को शामिल किया जाएगा, तो ये आपको हर जगह मिल जाएगा। उसके बाद इसमें दूसरा ये है कि इस सबसे पहले इसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा हिंदी अंग्रेजी संस्कृत जनजातीय भाषा संथाली क्षेत्रीय भाषा बंगला संथाली खोर्था उर्दू से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। उल्लिखित भाषाओं में किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1/3 संख्या में तैयार की जाएगी, यानी कि एक सीट पर 3 लोगों को यहाँ पे पास किया जाएगा। उसके बाद आगे का प्रक्रिया चालू होगा शारीरिक माप का, ठीक है। शारीरिक माप में क्या बोलता है कि सामान्य के लिए जो कम से कम ऊँचाई है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखता है कि लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके लिए 1.5 घंटे का समय होगा। गलत उत्तर देने के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। उसके बाद होगा शारीरिक जांच। शारीरिक जांच में करता है कि शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी 1 मील की दौड़ में भाग लेंगे और ये 1 मील की जो दौड़ है इसको कितना देर में कंप्लीट करना है। यदि पुरुष हैं तो पुरुष को जो है 5 मिनट से पहले या फिर 5 मिनट तक इसमें आपको 20 अंक दिया जाएगा, 5 मिनट या फिर 5 मिनट 5 मिनट से 6 मिनट तक 10 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधे ये समझ लेना है कि अगर यदि आपको ज्वाइनिंग करना है तो रनिंग भी आपको बढ़िया रखना होगा, क्योंकि अगर यदि आप 1 मील मतलब 1600 मीटर मतलब
5 मिनट के अंदर आपको दौड़ना है, ठीक है। और अगर यदि मान के चलिए कुछ 6 मिनट लेते हैं तो उनका क्या होगा, नंबर आधा कट जाएगा। महिलाओं के लिए भी सेम वही चीज़ है, 1600 मीटर दौड़ना है और उसको क्या करना है, 5 मिनट के पहले या फिर 5 मिनट तक, 5 मिनट के बाद उसको 10 अंक मिलेगा, ठीक है। अगर यदि ये इतना समय सीमा के अंतर्गत नहीं दौड़ पाते हैं तो फिजिकल में क्या होंगे, फेल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो लिखित परीक्षा होगी, इसकी जांच जो है उपायुक्त यानी कि डीसी के द्वारा गठित समिति के माध्यम से की जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेघा सूची तैयार किया जाएगा, मेघा सूची जो तैयार किया जाएगा, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक का रहेगा, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक का रहेगा और कार्य अनुभव में प्राप्त अंक के योग के आधार पर मेघा सूची तैयार की जाएगी। चिकित्सा परीक्षण यानी कि मेडिकल भी होगा इसमें। नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जाँच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य के रूप के आधार पर अभ्यर्थियों को योग पाए जाने पर ही नियुक्ति प्रक्रिया इसकी होगी, ठीक है। उसके बाद परिवीक्षा के बारे में यहाँ पे 14 नंबर में दिया है कि चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा के आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा की अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। अगर विदित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाए तो उस परिस्थिति में सेवा समाप्त की जा सकती है। सैलरी रहेगी इसका PB1 के हिसाब से 5200 से 20200, ग्रेड पे रहेगा 1800। आवेदन पर करने की जो प्रक्रिया है इसको थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिएगा। यहाँ पे ये नंबर में लिखता है कि उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेजों की सब अभिप्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करें, ठीक है। तो आवेदन के साथ साथ में क्या क्या आपको भेजना है, ये स्पीड पोस्ट से या फिर डाक के माध्यम से ही आप उपयुक्त पते पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र यानी मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सक्षम पदाधिकारी द्वारा अद्यतन स्थानीय निवासी एवं जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्मतिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, सब अभिप्रमाणित 4 पासपोर्ट साइज फोटो, सब पता लिखा लिफाफा उसके ऊपर 26 रुपये का डाक टिकट लगा संलग्न करते हुए दिनांक 30/7/24 तक जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांग उपायुक्त कार्यालय संभरणालय जामताड़ा में जमा कराया जा सकता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। 4 फोटो आपके पास होना चाहिए जिसमें आप खुद से उसके ऊपर साइन करके उसको भेजेंगे, और ये जो जब बाय पोस्ट आप भेजेंगे या फिर जब वहाँ जमा करने के लिए जाएंगे तो सब पता लिखा लिफाफा, एक लिफाफा होगा जिसमें आपका एड्रेस उसमें लिखा हुआ होगा और 26 रुपये का डाक टिकट उसके ऊपर चिपकाया हुआ होगा, ठीक है। और ये जो है 30/7/24 तक आपको जमा करना है, और जमा कहाँ करना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ से, ठीक है। जिला चौकीदार नियुक्ति कोषांग उपायुक्त कार्यालय संभरणालय जामताड़ा में जमा कराया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद लिखता है कि अभ्यर्थी लिफाफा के ऊपर विज्ञापन संख्या, जो विज्ञापन संख्या है सो आवेदित का नाम, आवेदित पद का नाम, बीट संख्या, अंचल का नाम एवं थाना का नाम अवश्य रूप से अंकित करेंगे। उसके बाद लिखता है कि किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा। अगर यदि उस जहाँ पे जमा करना है वहाँ पे नहीं जमा करिएगा, किसी इधर अगल बगल में जमा कर दीजिएगा तो ये क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक या फिर एसपी रिपोर्ट से भी भेजा जा सकता है। अन्य विवरणी जिला के अधिकृत वेबसाइट jamtara.nic.in पर देखा जा सकता है एवं आवेदन पत्र फॉर्म को डाउनलोड किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क इसका निःशुल्क रहेगा, परीक्षा का चार्ज नहीं रहेगा। परीक्षा की तिथि दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। जब परीक्षा इसका होने का रहेगा तो समाचार पत्र के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 30/7/24 के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और आवेदन निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपको भेजना है, ये आपको भेजना है उपायुक्त जामताड़ा जिला सामान्य शाखा संभरणालय जामताड़ा पिन नंबर 81/53/51, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको आप स्क्रीनशॉट की करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, कैसे आप इसको भेजेंगे, कहाँ पे भेजेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपको बताएंगे इस फॉर्म को भरने का तरीका। देखिए ये इसका फॉर्म है, आप इसको कैसे कैसे भरेंगे, कहाँ पे क्या लिखने का आवश्यकता पड़ेगा और ये फॉर्म आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, इस चीज़ के बारे में हम आपको प्रयास करेंगे कि कल का वीडियो में या फिर इसके बाद वाला वीडियो में जो है आपको बता दें, ठीक है। ये सारा कुछ आपको इसमें बताने वाले हैं कैसे कैसे आप इसको भर सकते हैं,
ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल जीके विदार के। अगर यदि किसी भी तरह का नोटिफिकेशन इसमें और निकल के आता है तो वो भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। जय हिंद।